नमस्कार, मैं हूं अंजलि। आइए ग्रामीण अंचल के हर छोटी बड़ी खबर को देखने के लिए रुख करते हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। जांजगीर चांपा जिले के ग्रामीण अंचलों में लाल चुनरिया डंडा नृत्य पार्टी छेछेरा त्योहार को लेकर अपने डंडे नाच का कला गांव गांव में अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों में बहुत ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। आजकल बोरदा, कुगदा, कुरियारी, कांसा, कामता आदि से सूर्य नारायण क्षेत्र के विभिन्न गाँव के ग्रामीण जनों को लाल चुनरिया डंडा नृत्य पार्टी का अद्भुत दृश्य देखने को मिल रहा है। नृत्य करने वाले नृतक विभिन्न प्रकार के वेशभूषा में सजे होते हैं और अपने डंडे को भी रंगों से सुंदर बनाए होते हैं। डंडा नृत्य करके नृतक पुरस्कार के रूप में धन प्राप्त करते हैं। डंडा नृत्य पुरुषों का सर्वाधिक कलात्मक और समूह नृत्य है। इस नृत्य में ताल का विशेष महत्व होता है। डंडों की मार से ताल उत्पन्न होता है, इसी कारण इसे डंडा नृत्य कहा जाता है। इस नृत्य में समसंख्यक नर्तक होते हैं। एक या दो कुहकी देने वाला नोखेलाल साहू रामप्रसाद यादव, जिससे नृत्य की गति और ताल बदलता है। एक मांदर वादक रामहरि भैना और दो तीन झांझ मंजीरा बजाने वाले होते हैं और गायककार फिरतराम कश्यप, किशोर कश्यप, अमन कश्यप हैं। डंडा नृत्य कार्तिक से फागुन मास तक होता है। पुष पूर्णिमा यानी छेछेरा के दिन इसका समापन होता है। इस नृत्य को छत्तीसगढ़ का रास भी कहा जाता है। इतिहास के जानकारों के मतानुसार इसका जन्म श्री कृष्ण के रास नृत्य से हुआ है। इस नृत्य में राम और कृष्ण दोनों के पद गाए जाते हैं। प्राचीन छत्तीसगढ़ में डंडा नृत्य के प्रकारों का वर्णन किए हैं। उनके अनुसार दुधिया नृत्य, तीन डंडियां, पनिहारी शेर, कोटरी झलक, भाग दौड़, चरखा भांज, माडल देव, पीठ झोरूल, समधीन भेंट विशेष रूप से प्रचलित है। आइए आपको लेके चलते हैं जांजगीर चांपा के नवागढ़ ब्लॉक के ग्राम पंचायत कुगदा के कलाकारों से खास गुड बात। जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़ जांजगीर चांपा ब्यूरो चीफ गौरव रायसागर के साथ खास गुड बात। जय जोहार, स्वागत है आप मन के जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़ के आवाज में। आज हमन गोड़ बात करबो छत्तीसगढ़ के पारंपरिक तिहार डंडा नाच के बारे में। जैसे कि आप मला बता दें कि छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अंचल मन में किसान भाई मन अपन धान ला लू मिस के ब्यारा में या फिर मंडी में बेचे के बाद किसान मन एक पर्व मनाते छेरछेरा तिहार। जैसे कि आप मला बता दें कि छेरछेरा त्यौहार के पारंपरिक जो नृत्य है वो डंडा नाच है। जैसे कि आप मला बता दें कि अभी हमार जो डंडा नाच के नृत्य है वो अद्भुत कला हमारे ये भाई मन अभी कला दिखाते हैं। और अब हम आप मन से गौर बात कराबो कि ये डंडा काबर नाचे जाते हैं और डंडा नाचे के मेन मकसद का है और का कुछ जानकारी है कर बारे में। जी संगवारी हो, हमारे जो दर्शक मन देखा था मन बड़ टाइम ले कहा था कि ये भैया मन के बारे में जौन बताया था वह और नृत्य नहीं बताते हैं, हमारा डंडा नाच नहीं बताते। हमन चाहत हन कि हमारे जो जेएक्स न्यूज चैनल के जितना दर्शक भाई बहनी मन हवा वो मन आप मन डंडा नृत्य दिखाता हो। बिल्कुल दिखाओ भाई। और बात कर वो कलाकार भाई मन जगह हमारे संग में मौजूद है डंडा नाचने वाला। स्वागत है भैया आप मन के जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़ के आवाज में। धन्यवाद है भैया जी। भैया बताइए डंडा नाचे के बारे में, एक कला के बारे में, एक बारे में जानकारी दी हो। डंडा नाच हमारे छत्तीसगढ़ के पारंपरिक त्यौहार है। एमा बहुत कन फायदा है हमन ला। हमारे डंडा नाच में सबसे बड़े तो ये एक प्रकार से कसरत है। शरीर ला फुर्तीलापन ला थे। हमारे पारंपरिक त्यौहार है जेह नंदावत रहीस तेला हमन उबारे के प्रयास करे हन। अच्छा, दोबारा तो कहाँ ला जाता हो डंडा नाचे पर? हमन ये नवा बड़ा नवागढ़ के ब्लॉक में किंद्रत हमन। कांसा है, गोधना है, रिंगनी, बोरदा, लोहरसी, कामता, कांसा ऐसे करके हमन किंद्रत हमन। हाँ। अभी तक कौन कौन गांव में अपन कला के प्रदर्शन कर चुके हो, कहाँ कहाँ अपन कला? हमन कांसा में दिखाए हमन, कुरियारी में दिखाए हन, आज यहाँ बोरदा आए हमन और कमता गए हमन। चार पांच गांव गए हैं और बरसात के नाम से ज़्यादा गांव जा नहीं पाए हन। और सब ला इच्छा है कि हमन और बहुत कन गांव जाके अपन कला। हमारे छोटे छोटे जो नान नान लड़का मन है वो मन भी अभी डंडा नाचे आए हैं और उमन से भी जानबो डंडा नाचे देखे आए हो। हाँ। अरे कहाँ के रहो ये? कहाँ के रहे, कहाँ रही थस? इहेला। कहाँ इहे के? का नाम? बोरदा। अच्छा, बोरदा तोर गाँव के नाम है। कैमरा मैन राकेश कश्यप के साथ गौरव रायसागर, जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़, जांजगीर चांपा।